यू भी अकेले मस्ती चल रही है, आ जाओ। तो मम्मा आज क्या बन रहा है? आज बना रही हूँ मैं आटे के समोसे। अच्छा, आटे के समोसे। आटे के समोसे, हमने तो आलू के सुने थे, आटे के समोसे पहली बार सुने। मतलब उसके मैदा के नहीं, आटे के। अच्छा, तो प्रोसेस पूरा वही है, हाँ। मैदे की जगह आटा है। अच्छा, मैदे की जगह आटा, ऐसा बोला ना यार, हमने तो सुना था कि जब तक तो गाइस उतर रहे हैं गरम गरम समोसे, आटे के समोसे। इनमें सिर्फ आटा डला है और आलू डला है, आलू का मसाला डला है। क्रिस्पी गाइस उतनी है, खरर खरर की आवाज आ रही है इसमें, क्रिस्पी बहुत ज्यादा। मतलब खा के आप बताना कैसे लगे। खा के आप पहले बताना, सब चीज मुझ पे मैं ट्राई करा कर। मैं तो भी बना रही हूँ ना, आप खाओ और बताओ कैसे कैसे लग रहा है। मजा आ गया खा के। सबसे मेन तो मुझे टेंशन नहीं हो रहा है कि मुझे कम खाने की, ज्यादा खाने की, जितनी मर्जी उतना खाओ, क्योंकि आटा है, आलू है। हाँ, मैदा रहता तो फिर पेट में गड़बड़ होती है। और अपन लोगों ने डिसाइड किया ना कि हम कभी भी मैदा नहीं खाएंगे। ना घर पे ना बाहर मार्केट में कहीं पे भी। पूरी पे भी मैदा रहता है? नहीं नहीं, आटा रहता है। ना, ना। आटा रहता है, सूजी रहती है। और मेरा बेटा इधर खा रहा है चिप्स, मैंने उसके लिए। सो गाइस, यू सोकर के उठ गया है। आज मेरे दो डेनिम खराब हो गए हैं यार, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइस, ये मेरा यहाँ से डेनिम फट गया। रग लेने का यही प्रॉब्लम होता है गाइस कि आप जैसे ही बैठते उठते हो ना, तो यहाँ से ये फट जाता है। ये देखो कितना अजीब लग रहा है, मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका क्या करूँ। और अभी मुझे 10-15 दिन ही लेकर के आए हुए हैं, ये मैंने जिंजर से लिया था ये डेनिम। और सो गाइस, ये दूसरे वाले डेनिम का भी यही हाल हो रखा है। कहाँ गया ये भी सेम जगह से फटा है, और ये भी बैठने में फटा है। बैठने उठने में घुटना फोल्ड होता है, ऐसे बैंड हो जाता है, तो यहाँ से ये फट जाता है गाइस। ये ऐसा, ये भी यहीं पे फटा हुआ है। तो गाइस, ये दोनों डेनिम्स मेरे ख़राब हो चुके हैं, और ये तो मेरा फॉरएवर का है गाइस। दोनों मेरे डेनिम ख़राब हो चुके हैं। अगर आप लोगों के पास, तो गाइस यही प्रॉब्लम हो जाता है, आप कितने भी महंगे डेनिम्स ले लो, और वो रग्ड नहीं लेना चाहिए यार, वो थोड़े से फैंसी लगते हैं पर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे दोनों डेनिम अभी लिए थे मैंने, और गाइज अभी के अभी वो ख़राब हो गए। मतलब 15 दिन भी मैंने मुश्किल से ही पहना होगा, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने महंगे महंगे डेनिम थे मेरे, दोनों ही ख़राब हो गए। आज लेकर जाऊँगी टेलर के पास, अगर वो कुछ आइडिया इसका बताएगा कि वो कुछ कर सकता है, तो देखती हूँ मैं करवा करके। सो मैंने नेल आर्ट करवाया था, आज मैंने उसका नेल पेंट चेंज कर दिया है। ये देख सकते हो गाइज, मेरे बड़े बड़े नेल्स। हाँ बेटा, आ जाओ। अरे ले, आ रही हूँ, आ रही हूँ, टू मिनट्स, गिव मी टू मिनट्स ओनली। सो आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से नेल पेंट लगाई है। एक्चुअली इसमें जेल नेल पेंट लगा हुआ था, जो कि अपने आप नहीं छूटने वाला था। आप कितनी मेहनत कर लो छुटाने की, नहीं छूटने वाला था, आपको वहीं पर जाकर के सलून में छुड़ाना था। पर मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं, लंबे नेल्स के साथ मैंने घर पर एक हैक ट्राई कर दिया। कैसा लगा आप लोगों को? सो गाइज, आज नवरात्रि का थर्ड डे है, और मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा बाहर घूमने जाने के लिए। एक्चुअली पता है, जब मैं पहले शादी नहीं हुई थी, तो मैं एक दिन, मुझे गरबे खेलना नहीं आता है, पर फिर भी मैं एक दिन अच्छा बढ़िया गरबो वाली ड्रेस पहन करके जाया करती थी। और हमारे यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कोई भी जा कर के गरबे कर सकता है। सो कंपलसरी नहीं है कि आप कपल में आओ, या फिर आप सिंगल नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर जा कर के गरबे कर सकते हैं, और आपका कोई भी आउटफिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी आउटफिट में जा सकते हो। और आपको डांस आए नहीं आए, गरबे करना आए नहीं आए, आप कुछ भी, जो भी आपको करना है वो आप करो। सो मैं जाया करती थी वहाँ पर हर साल। सो एक ही दिन जाती थी, अच्छा बढ़िया तैयार हो करके। सो शादी के बाद से वो मेरा छूट गया है, और युवो के बाद तो अब बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जा भी पाऊँगी। पर वही देख करके मुझे ऐसा लगता है, लड़कियों को जब तैयार हो करके जाती हैं लड़कियाँ, सो मेरा भी मन बहुत करता है कि मैं भी जाऊँ। पर आप लोग समझ ही सकते हो कि बच्चा माँ के बिना रह ही नहीं पाता है, सो इसलिए नहीं जा पाऊँगी मैं। सो गाइज, आज मैं थोड़ा सा अच्छा तैयार होकर के जा रही हूँ बाहर घूमने। आज मेरा ऐसे ही मन कर रहा है, मेरा कहीं पर जाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मुझे कहीं जाना है, बस मेरा मन कर रहा है कि मुझे आज तैयार होना है।
सो इसलिए बस मैंने काम सारे निपटा लिए हैं। यू भी सोकर के उठ गया, उसका टाइम 5 बजे उठने का है, सो वो भी उठ गया है। उसको भी मैंने रेडी कर दिया है, 2 चोटी बना दी है उसकी। मुझे उसको गर्ल बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत क्यूट लगता है। तो गाइज बस मैं होने जा रही हूँ रेडी। सो गाइज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके से किया हुआ है। सो अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने थोड़ा सा। यू को भी तैयार कर देती हूँ, चोटी तो मैंने बना दी थी उसकी, पर बस उसको थोड़ा सा मैं कपड़े और पहना करके रेडी कर देती हूँ। सो गाइस अभी हम आए हैं शॉप पर और ये बिजी हैं, आराम कर रहे हैं। कोई आराम नहीं करते गाइस, यहाँ पर हम आए हैं और ये आराम से अपना बिजी है। भी बुरी नहीं होती जितना लोग बताते हैं। मैंने देखा एक पत्नी ने अपने पति को पीटने के लिए बड़े डंडे की जगह छोटी छड़ी उठाई। देख रहे हो मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मतलब उसमें इतना रहम भरा हुआ था अपने पति के लिए कि उसने बड़ा डंडा नहीं उठाया, छोटी छड़ी उठाई बेचारे को मारने, छोटी छड़ी। देख रहे हो एक तो हम मिलने आए, ऊपर से टाइम तो दे नहीं रहे, ऊपर से हमको ये डायलॉग सुना रहे हैं। मैं भी इनको मारती हूँ, मारती हूँ मैं आपको। कभी आज तक एक हाथ नहीं उठाया होगा मैंने इस आदमी पे। पहले जो मूवी में पुष्पा का पार्ट था ना, वो झुकेगा नहीं बोलता था ना, दूसरे पार्ट में पुष्पा की शादी हो चुकी है। अब पुष्पा झाड़ू भी लगाएगा, बर्तन भी मांजेगा, सब्जी भी लाएगा और कपड़े भी धोएगा। झुकना तो कुछ भी नहीं है। सही है। सो गाइस यू थोड़ी देर के लिए अभी गया है जिया के साथ, कुछ अटरम चटरम खाने गए हैं ये लोग सामने दुकान में। सो इसलिए हम थोड़ा सा रोमांटिक बातें कर रहे हैं। ये हमारी रोमांटिक बातें जो हम आपको सुना रहे हैं, हमारी रोमांटिक बात, बहुत रोमांटिक बात है हमारी। सो गाइस आज मेरा मन नहीं था खाना बनाने का, तो हम लोग निकल गए हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए। यू मैं जिया, जिया तो दिख भी नहीं रही पीछे। मैं दिख भी नहीं रही हूं, ये मेरा हाथ है। जिया ने दिख रही है और ये हम चारों जा रहे हैं यार खाना और, खाने और ये क्या होता डिनर करने है? ये क्या होता और ये यू के पापा, यू के पापा ये दिख नहीं रहे थे। एक तो गाड़ी ऐसे चला रहे ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग करने का। बाय। हां भूख लग रही है। हां ये भूख लगी। सो गाइस अभी टेबल खाली नहीं है, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। सो हम आए हैं जीके। सो गाइस फाइनली हमको टेबल मिल गई, हमारा नंबर आ गया। पापड़ लगाना है। हाँ यू आप क्या कर रहे हो? यू क्या कर रहे हो? क्या करने में बिजी हो आप? यू गाइस अपना ही गेम चालू करके रखा है, उसको कहीं पे भी कुछ भी दिख जाता है ना तो वो अपना ही गेम है। मिस्सी रोटी भी मंगा लेना। सो गाइस आ गया है हमारा यहाँ पे खाना, हमने मंगाया है मटन मेथी मलाई और यहाँ पे मंगाया है चिली पनीर मिस्सी रोटी। अब हम टूटने वाले खाने पे भयंकर जोर से। खा रहा है यहाँ पे सेम सेम पसंद है यूवी को, और पापड़ भी खाया, मिस्सी रोटी भी खाई उसने थोड़ी सी, और ये आ गया है मेरा बटर मिल्क। ठंडा ज़्यादा है यार चीनी, ठंडा ज़्यादा है, देखो ना थोड़ी गर्मी कम करेगा। खा लेते हैं भर भर के फिर इनको बटर मिल्क से पचाना होता है। पानी पानी लग रहा है। हे भगवान। सो गाइस यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। आधी रात को तुम लोगों को ये क्या काम सूझ गया है बाबा? हाईलाइट हो रही है जी। हाईलाइट हो रही है। हाईलाइट कर रहे हैं। तो घर में ही कर रहे हैं। हाँ। गरीबी की सीमा पार हो चुकी है। जी कैसे फाड़ो? तुम तो एक पापा वो खोल लो पार्लर सैलून खोल लो। हाँ
आता है ना तुमको ये सब काम? प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले। मेरी भी तुम दाढ़ी मुझ बना दिया करो। अरे कोविड में बनाई थी कि नहीं तुम्हारी यार? हाँ यार उसका तो वीडियो भी वायरल हो गया था। कोविड में गाइस मैंने इनकी शेप की थी और हेयर कट भी किया था। आज भी मेरे पास वीडियो है, हेयर कट भी किया था। हाँ यार मैं लकी फील कर रहा था कि चलो यार मेरे पास ऐसी बंदी है जो कि घर पे मैंने हेयर कट कर दिया था। सो गाइस फाइनली हो गया है जिया के बालों में हाईलाइट। इधर दिखाओ, इधर हल्का सा। हाँ ये प्रॉपर हाईलाइट हो गया है। हाँ शानदार लग रहा है। अभी क्या यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है प्रॉपर लग रहा है। और बालों में भी ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बचे ही नहीं, बाल अब पूरे ब्राउन हो चुके हैं। अच्छे लग रहे हैं, शानदार। देखा, क्रेडिट मुझे दो। देखो सुनहरी लड़की। हाँ देखो मेरे बालों जैसा ही दिख रहा है पूरा। हाँ हम दोनों मैचिंग मैचिंग हो गए। लड़की लगी नहीं रहा चीनू की, मतलब इसका ग्लोबल नहीं हुआ है, हाईलाइट हुआ है। शानदार लग रहा है। हाँ। है ना, ब्लैक बाल पूरे खत्म हो गए हैं, पता है दिख ही नहीं रहे अब ब्लैक बाल। है ना, बढ़िया लग रहा है। कैसा लगा जी? इनकी बारी है, बहुत शानदार है ना। मुझे ऐसा लग रहा है पार्लर में करवा के होममेड पार्लर। क्या बोल रही, होममेड पार्लर। सो गाइज मैंने किया है हाईलाइट। काश मैं खुद के बालों में भी कर पाती तो इतने इतने पैसे बचा लेती गाइज मैं, पर खुद के बालों में पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।